नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल ली जा रही है, जहां पर जो पहला टेस्ट मैच है वो भारतीय टीम ने 130 रन से जीत लिया है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से मयंक अग्रवाल ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, जहां पर मयंक अग्रवाल ने बल्लेबाजी करते हुए 243 रन की काफी अच्छी पारी खेली और साथ ही यहां पर मयंक अग्रवाल की पारी के चलते भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच को जीत लिया है। और अब बारी है दूसरे टेस्ट मैच की, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो दूसरा टेस्ट मैच है वो कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाने वाला है, और साथ ही कितने बजे शुरुआत होने वाली इस मैच की, और साथ ही दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। हम पूरी बातचीत करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा कितने रन बनाने वाले हैं, आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, बात करें दूसरे टेस्ट मैच की, तो यहाँ पर जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच खेला जाने वाला है, जहाँ पर मैच कोलकाता के ईडन गार्डन के स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जहाँ पर मैच डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है, यानी कि दोपहर को खेला जाएगा और साथ ही रात को खेला जाने वाला है। बात करें इस मैच की टाइमिंग की, तो इस मैच की टाइमिंग होने वाली है दोपहर को 1:00 मैच स्टार्ट हो जाने वाला है, यानी कि सुबह से स्टार्ट नहीं होने वाला है दूसरा टेस्ट मैच। अब दोस्तों, बात करें दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत और बांग्लादेश की टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। बात करें दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, सबसे पहले हम बात करें बांग्लादेश की टीम की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर बांग्लादेश की टीम की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं सदमान इस्लाम, और साथ ही दूसरे ओपनर होने वाले इमरुल कार्स, वही नंबर 3 पर खेलने वाले मोनिमुल हक। तो इस प्रकार का टॉप ऑर्डर रहने वाला है बांग्लादेश की टीम का। बात करें के मिडिल ऑर्डर की, नंबर 4 पर मोहम्मद मिथुन, नंबर 5 पर मुस्फिकुर रहीम, नंबर 6 पर महमूदुल्लाह खेलने वाले हैं। तो इस प्रकार का मिडिल ऑर्डर रहने वाला है बांग्लादेश की टीम का। बात करें के लॉ ऑर्डर की, नंबर 7 पर लिटन दास, नंबर 8 पर मेहंदी हसन, नंबर 9 पर ताजुल इस्लाम, नंबर 10 पर अबू जायद, नंबर 11 पर इबादत हुसैन खेलने वाले हैं। तो इस प्रकार की प्लेइंग 11 रहने वाली बांग्लादेश की टीम की। अब बात करें हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, यानी कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, और साथ ही कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं। बात करें भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर की, तो यहाँ पर पहले ओपनर होने वाले मयंक अग्रवाल, और साथ ही दूसरे ओपनर होने वाले रोहित शर्मा, वही नंबर 3 पर खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा। तो इस प्रकार का टॉप ऑर्डर रहने वाला है भारतीय टीम का। बात करें मिडिल ऑर्डर की, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा खेलने वाले हैं। तो इस प्रकार का मिडिल ऑर्डर रहने वाला है भारतीय टीम का। बात करें लॉ ऑर्डर की, नंबर 7 पर रिद्धिमान शाह, नंबर 8 पर रविचंद्र अश्विन, नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, नंबर 10 पर उमेश यादव, और नंबर 11 पर ईशांत शर्मा खेलने वाले हैं। तो इस प्रकार की प्लेइंग 11 रहने वाली भारतीय टीम की। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है दूसरे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतने वाली है, कि भारतीय टीम जीतेगी या फिर बांग्लादेश की टीम, और साथ ही दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा कितने रन बनाने वाले हैं, आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।